आवाज सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये मसाला मूंगफली कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो आइए बात कर लेते हैं इनकी टेस्ट की। इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मार्केट में मिलने वाली नट क्रैकर का होता है, या मैं कहूँ उससे भी बढ़िया है। और इसको बनाना है इतना ज़्यादा आसान कि आप इसको 10 मिनट में फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आपने शाम में चाय बना के रेडी कर ली, आपका फटाफट कुछ स्नैक्स बना के खाने का मन है, तो फटाफट 10 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए ना ही आपको बाहर से कोई मसाला लाने की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की ज़रूरत है। जो भी आपके घर में सामान है उसी सामान से ये बनके फटाफट तैयार हो जाती है। तो चलिए फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इस तरीके से एक बड़ा बर्तन, और इसी बर्तन में मैंने यहाँ पर एक कटोरी नाप की लिया हुआ है बेसन, और इसी के साथ में एक चौथाई हमें लेना है यहाँ पे अरारोट। अगर आपके पास में अरारोट नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच रेड मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। ये मैंने बहुत कम नमक इसमें डाला हुआ है क्योंकि जब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे तो ऊपर से भी हम नमक और बाकी चीज़ें मिलाएंगे, तो इस वजह से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से मिक्स नहीं कर रहे हैं। और थोड़े से कलर को इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है हल्दी पाउडर। फिर बस इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक बढ़िया पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट को हमें बहुत ही ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं करना है, बस इतना हमें इसको करना है जितना कि ये चिपचिपा बन जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे तो मूँगफली में हमारी बढ़िया से कोटिंग नहीं हो पाएगी। फिर इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इस तरीके से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, ये जो स्नैक्स है ना, ये इतनी जल्दी बनके तैयार हो जाता है। जैसे कि आपने शाम में चाय रेडी की और आपका मन कुछ हुआ कि कुछ चटपटा सा मसालेदार बना के खाया जाए, तो आप चाय ठंडी भी नहीं हो पाएगी और ये आपका स्नैक्स बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। मतलब इतनी जल्दी ये बन जाता है, और टेस्ट में ये तो बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसा कि हम मार्केट वगैरह में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसमें टेस्ट आता है। और जो मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ इसी तरीके से आप मेज़रमेंट करके इस तरीके से इसको बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से इस पेस्ट को बढ़िया तैयार कर लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक कटोरी मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, इसको मैंने रोस्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम इसको फ्राई करेंगे ना तो साथ में हमारी मूंगफली भी रोस्ट हो जाएगी। अगर हम पहले से ही मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे तो मूंगफली का हमारे जलने का डर है। इस तरीके से मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी करके मूंगफली को इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये बेसन में बढ़िया से लिपट जाए। और ये देखिए, हमारे बेसन का घोल कितना बढ़िया परफेक्ट तैयार हुआ था, जिसकी वजह से मूंगफली में बहुत ही बढ़िया से कोटिंग हो गई है। इसीलिए मैं कह रही थी आपसे कि अगर शुरुआत में हम इसको बहुत ही ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये कोटिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगी, और जो मार्केट वाला टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए तो चलिए, हमारी मूंगफली के पेस्ट तो रेडी हो गया है, अब इसको तैयारी करते हैं फ्राई करने की। इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ाई एक कढ़ाई, और इसमें कुकिंग ऑयल को बढ़िया से गर्म हो जाने दिया है। कुकिंग ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। इसके बाद में जो मूंगफली वाला पेस्ट था ना, उस पेस्ट को हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से डाल देंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से हम इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि गैस को हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे ना तो मूंगफली अंदर से पूरी तरीके से कच्ची रह जाएगी और इसकी कोटिंग बाहर की जल जाएगी। इसलिए गैस को लो टू मीडियम ही रखना है हमें। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये पेस्ट एक साथ में चिपक गया है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे ये फ्राई होगा, इस तरीके से आप करछी की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप तोड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको बढ़िया से फ्राई कर लें। इसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए इसके बाद में आप तोड़ लें, क्योंकि मार्केट वगैरह में जो भी बनती है ना तो उसको भी इसी तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि जो हम बेसन वगैरह लगाते हैं ना तो इसकी वजह से थोड़ा सा चिपक तो जाता है, तो इसको हम बाद में तोड़ के अलग कर लेंगे। लेकिन इस पहले इसको बहुत ही बढ़िया से हमें फ्राई करना है। और ये देखिए, करीब 4 से 5 मिनट हमारी मूंगफली बढ़िया से फ्राई हो गई है, और ये देख पा रहे हैं कि इसमें कलर कितना ज़्यादा बढ़िया आ गया है। और इसी स्टेज पे हम मूंगफलियों को निकाल के रख लेंगे बाहर। जब हमारी मूंगफली थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद में जो हमारी ये जो मूंगफली आपस में चिपक गई थी उनको हम बढ़िया से तोड़ लेंगे।
इसके बाद में ये देखिए, आप दिखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। अच्छा, ये अभी खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे अपना मसाला। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फटाफट हम मसाला लगाना भी चालू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच लिया हुआ है चाट मसाला। चाट मसाला इस नमकीन में ना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ये आपके पास में नहीं है ना तो इसके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो चाट मसाला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाट मसाले को ऐड करने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर ले रही हूँ, करीब 2 से 3 चुटकी। उसके साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच रेगुलर वाला सॉल्ट, और आधा ही चम्मच मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जलजीरे के पाउडर। बस हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया से मिक्स करना है और हमारी मसाला मूंगफली बनके हो गई है एकदम तैयार। तो चलिए फटाफट इनको हम सर्व करते हैं इस तरीके से एक प्लेट में। और ये देखिए आप, इसकी लुकिंग देखिए, आपको कहीं से ये लग रही है कि ये हमने मूंगफली, मसाला मूंगफली या नट क्रैकर, ये हमने इस तरीके से घर में रेडी किया है। आप अगर इन नट क्रैकर को अपने फैमिली मेंबर को या अपने मेहमानों को खिलाएंगे और ये आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि ये नमकीन आपने घर में रेडी की हुई है, तो वो ये खा के बिल्कुल भी नहीं पता कर पाएंगे कि वाकई में ये नट क्रैकर, ये मसाला मूंगफली आपने घर में रेडी की है या फिर आप ये मार्केट से लेके आए हैं। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप इसी तरीके से रेडी कीजिएगा। और अगर आपकी ये नमकीन ऐसी ना बनी तो फिर मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी श्योर हूँ कि आप इसमें बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। जैसा मैंने बताया है वैसे ही आप रेडी कीजिएगा, आपकी नमकीन 100% क्रिस्पी एंड परफेक्ट बनेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।